गाइस, तो मैं अब आ गई हूँ अपने घर। तो जैसे अभी आधा घंटा ही हुआ है आए हुए, अभी आधा घंटे जस्ट बैठी हूँ और मेरे घर पे कोई भी नहीं है, ना मेरे भाई है ना मेरी मम्मी है, और हम अकेले बैठे हैं यहाँ। दुब से आए हुए हैं, मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी हमारे उधर हमारे जो परिवार में गए हुए हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज, तो सुबह हो गई है, रात लेट हो गए थे, तो इसलिए अब वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं। तो अब हम हो चुके हैं रेडी और अभी जाना है हमें, मेरे जो मैंने यहाँ मकान में ख़रीदा हुआ है, मैंने उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो मुझे रेंट लेके आना है अपने किराएदारों से, तो देखते हैं वो मिलते हैं कि नहीं घर। आज संडे है, वो संडे को मिल जाते हैं ज़्यादातर। तो जब मैं मम्मी के घर आती हूँ तब ज़रूर अपने मकान पे जाके आती हूँ। वो मैंने सिर्फ रेंट के लिए ही लिया है, मतलब रहने के लिए नहीं लिया है ऐसे ही। मतलब जो बिहार से, जैसे बाहर से लोग होते हैं वो लोग उनको लेते हैं, यहाँ बेचारे वो काम करते हैं, तो थोड़ा गंदा है, तो अब बेचारे वो ऐसे ही रखते हैं। तो क्योंकि सारा दिन काम करते हैं तो सफाई करने का टाइम मिलता ही नहीं उनको, तो थोड़ा सा गंदा है ज़रूर। तो अभी हमने उनको उसको पेंट वेंट भी नहीं करवाया, क्योंकि हमें थोड़ा सा उसको ठीक कराना है, थोड़ा सा मतलब जैसे उसको जैसे तोड़ फोड़ होगी होगी उसमें, मतलब 2-3 लाख रुपए उसके ऊपर भी लगेगा, तो उसको हम पेंट वेंट करा के फिर उसको अच्छा कराएंगे। अभी तो वो जैसे हमने खरीदा था वैसा ही है, हमने वैसे ही चढ़ा दिया था उसको किराए पर, तो चल के चल। तो गाइस, ये है मेरा छोटा सा मकान जो मैंने अभी 1 साल हुए ही ख़रीदा था। तो इसमें बिहार से जो लोग रहते हैं, इसका फ्रंट है और पीछे, हम आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो पीछे 4 रूम हैं इसमें। और यहाँ यहाँ साइड में जो है ये चूल्हा वगैरह चलाते हैं यहाँ पे, पीछे 4 रूम हैं। आगे तक मैं गई नहीं क्योंकि गुड़िया काम कर रही थी, सीढ़ियाँ हैं इधर। मम्मी से मिलाती हूँ आपको। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, मम्मी बोलेगी कि लाइक सब्सक्राइब करो। मम्मी बोल, लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो करो मेरी लड़की की चैनल को, चैनल को ठीक है। हाँ जरूर करना, कह दो जरूर करना ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, देखना। हाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और देखना। हाँ चलो, तो ये है मेरी चाची जी का घर, ऊपर हमारा नीचे है, हम ऊपर रहते हैं। और हंस रही है पीछे खड़ी हुई, देखो इसका फोटो सेशन नहीं हुआ सुबह से। और ये 4 रूम हैं, ये मेरी दोनों सिस्टर हैं, छोटी हैं मेरे से। तो ये है चाची जी का रूम, रूम है, और इधर किचन है ऐसे, और 2 रूम और हैं साइड में ऐसे। नीचे से मतलब इसकी फोटो ही नहीं कंप्लीट हो रही है, देखो इस लड़की को सुबह से ये पागल हो चुकी है, फोटो खिंचवाती खिंचवाती। हाँ सेल्फी क्वीन, बट अभी तक एक भी फोटो आई नहीं है इसकी। तो गाइज, रात में आ गई थी घर अपने, और मैं अपनी मम्मी के घर इसलिए गई हुई थी क्योंकि वहाँ पे मेरे एक बाबा जी हैं, मोहनलाल जी नाम था उनका। तो उनकी डेथ हो चुकी थी, 12 दिन, 10-12 दिन हुए हैं शायद। तो कल उनकी रस्म क्रिया थी वहाँ पे गांव में हमारे, तो हम वहाँ पे गए हुए थे कल, इसलिए संडे को वहाँ पे रसम क्रिया में। और जो हमारे बाबा जी थे मोहनलाल जी, वो बहुत महान व्यक्ति थे, तो काफ़ी टाइम से रिटायर भी हो चुके थे, तो बहुत अच्छे वकील अपने टाइम में, बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं, बहुत अच्छे वकील रहे हुए हैं वो अपने टाइम में। तो और मतलब उनके जाने का दुख सभी को रहेगा, और ज़्यादा दुख तो फैमिली मेम्बर्स को ही होता है, तो भगवान उनको निकलने की, भगवान उनको हिम्मत दे। तो और अभी थोड़े दिन पहले श्राद्धों में जो मेरी दादी जी की डेथ हुई थी, और उसके बाद एक दादी जी की और हुई थी, तो अब ये बाबा जी की होगी। तो और थे तो बुजुर्ग ही सारे, पर बुजुर्गों के जाने का भी दुख होता ही है। और तो मैं वीडियो को बस यहीं एंड करती हूँ, मेरी फैमिली में यही सब कुछ अभी चला हुआ है। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ।